मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे, मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। जद आवे मौत मैनू, जद आवे मौत मैनू, सोना करीब होवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बुजुर्गों, नासिन, मैं तुहाडे सामने अगली वीडियो दा नाल हाजिर हां। देख रहे हो तुसीं कि हालांकि भी तारीफ दी मोहताज तो नहीं है, क्या की है करम कला है, इनू करम कला भी कहा जाता है और इस बंद गोभी भी कहा जाता है। अल्लाह ताला दी शान है, देखो अल्लाह ताला दी जात ने किड़े सोने इन परदे बनाए ने और किन्नी सोहनी चीज है। देखो करम कला तो बंद गोभी जिस तरह के दिल की शिकायत बनी हुई है, और इस तो अलावा देखो और भी बड़े खूबसूरत ने, छोटे छोटे फूल ने, वैसे तो मैं वैसे भी मैं खूबसूरत लगे ने, मैं तुहाडे सामने दिखाने वास्ते तुहानू रखे ने, लेकिन आम इस्तेमाल दे विच इस तरह वड्डे फुल जिहड़े हुंदे ने उही इस्तेमाल दे विच हुंदे ने। इनू बंद गोभी भी कहा जाता है और इनू करम कला भी कहा जाता है, और इस तो अलावा इनू अरबी दे विच बकला बकला भी कहा जाता है, और ये बड़ी मशहूर तरकारी है। अज के दौर दे विच इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है, कुछ अरसा पहले कि इनका इस्तेमाल इन्ना ज़्यादा नहीं सी हुंदा, इनका जायका जरा बिल्कुल फिका हुंदा है, और मजाज जरा इनका ये बस मौत दे लिए, यानी कि ना ज़्यादा गर्म है ना ये ज़्यादा ठंडा है, और इनू बतौरे तरकारी इस्तेमाल किया जाता है। आम इनू गोश्त वगैरह दे विच पका के तो इस्तेमाल किया जाता है, और इस तो अलावा सलाद का ये बेहतरीन मरकब है। इनू अजकल के दौर दे विच यानी कि बर्गर शुआरमा वगैरह इन दे विच बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बर्गर शुआरमे का एक मेन जोज है। जदों के बर्गर शुआरमे नहीं सी हुंदे उदों इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बस कोई पकाने वास्ते इस्तेमाल करते सी, या फिर जानवरों के इस्तेमाल वास्ते इस्तेमाल किया जाता सी। फिर वक्त के लिहाज नाल फिर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर हो जाती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, और शायद के आम जिहड़े घरां दे विच तां इहनूं इह चीज़ है कि इहनूं दुध विच पकाया जाता है, यानी कि गोश्त दे नाल पकाया जाता है, लेकिन इहदा एक और बड़ा खास तरीका है। असल मैं तुहानूं सिर्फ दसन लगा ये कि इहनूं खास तरीका इहदा किहड़ा हैगा है, कि इहनूं अगर हिकमत दे लिहाज दे नाल बकरी का दुध लैके उस दे विच इहनूं पकाया जाए तो फिर ये बड़ी अच्छी तो बड़ी जबरदस्त बड़ी वधिया डिश बनती है, और ये उसका कुछ फायदा होता है, लेकिन इसका ज़्यादा फायदा नहीं है। इसको कसरत के नाल इस्तेमाल करना जरा इस दे नाल ख्वाब यानी कि ज़्यादा होंगे ने, यानी कि परेशान ख्वाब जिस तरह कि दिमाग में सुकून नहीं होंदा इस बंद गोभी के इस्तेमाल के नाल, यानी कि आज के दौर दे विच वैसे भी आवाम में इन्ना सुकून नहीं है, इस वजह तो कि ये बर्गर शुआरमे दे विच बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हो सकता इनका यो ही वजह हो, क्योंकि जिहड़ियां सियाणियां ने गल्लां कीतियां ने वड्डियां ने गल्लां कीतियां ने वह भी गलत नहीं होंदियां, और ये मेदे नूं ज़्यादा नुकसान दिंदी है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल जरा ना वह मेदे वास्ते सही नहीं होंदा, यानी कि ये जल्दी हजम नहीं होंदी, सही तो मुराद ये कि जल्द हजम नहीं हैगी, लेकिन अजकल दे दौर दे विच इहनूं जल्द हजम करन वास्ते इस वजह तो नाल कोक इस्तेमाल की जाती है या होर कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बेहतरीन चीज़ तो वही होंगी है जी
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੋਜ਼ੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।